बांधिया बांधिया जोई को बांधिया क्यों बांधा आपको? पूरे घर में टॉयलेट कर दी थी, कहीं भी पोती कर रहे थे आप, आपकी पनिशमेंट है। बहुत ही देर से सो रहे हैं तो इसे सोने दो भाई, इसे ना भी डांट पड़ी है बिकॉज इसने फिर आज घर में सुसु कर ली तो इसकी थोड़ी सी डांट पड़ गई, इसलिए डांट खा के अभी सो गई है। क्यों तू मेरा जोई जोई हाय बेबी, ओ डांट पड़ गई। चलो सोने देते हैं इसे, कुछ करने के लिए तो है नहीं घर में ना। इतनी डांट सुनने के बाद और कुछ ना करने के बाद ना मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप पे ध्यान दे लेती हूँ। अभी जैसे आपको पता है सैलून बंद है ना, कुछ खुल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ से। मुझे लगता भी नहीं है कि इस साल भी मुझे आपको मेरे कॉलेज के दिन दिखाएगा। पिछले साल भी नहीं दिखाए, इस साल भी मुझे ऐसी उम्मीद पूरी पूरी है, बट क्या पता। जाना बहुत हो गया है, सोना बहुत हो गया है, घर में डांट भी वसूल लिया, टीपी बहुत हो गया, सब कुछ से ना बहुत परेशान हो चुके हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपने आप पे थोड़ा ध्यान देती हूँ। बालों का जो हाल हो रखा था, क्योंकि इतने टाइम से ना तो मैंने कोई सर्विस ली है कि इस चीज़ की, और ना कुछ खुल रहा है, तो सबको आदत हो जाती है बाहर रहने पे। जब आप अपने बालों पे कुछ यूज़ करते रहते हो बाहर, लाइक सैलून पार्लर में जाके कुछ ना कुछ लेते रहते हो, तो उसी की आदत हो जाती है बालों को। और काफ़ी टाइम तक जब वो चीज़ ना मिले तो बाल बहुत ख़राब होने लगते हैं। तो सेम यही मेरे हाल हो रहे हैं इन खूबसूरत बालों का, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने खोल दिया ना तो यहाँ पे मामा ने बोला कि कुछ नेचुरल किया जाए। फिर जब उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मैंने कहा ये नेचुरल नहीं है, बिकॉज़ ये नेचुरल हो ही नहीं सकता। जो चीज़ शॉप से आके आपको मिल रही है वो नेचुरल कैसे हो सकती है? तो फिर मम्मा से बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद और बातें करने के बाद डिसाइड हुआ कि हाँ मैं ये नेचुरल चीज़ करूँगी। आई मीन मैं मेहंदी यूज़ करूँगी अपने बालों पे, और मैं मेरे बाल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल हैं, मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक हैं। तो मेहंदी यूज़ करने वाली वो भी नेचुरल ब्राउन कलर है, तो उस पर पैकेट पर लिखा था कि आपके बालों पर कलर आ जाएगा। तो देखती हूँ मैं कैसा, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ज़्यादा लाल ना हो जाए बाल। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे घर की दे दी है, मैंने एलोवेरा मिक्स करने के लिए बोला, मम्मा ने उसमें नींबू मिक्स करने के लिए बोला है, और टी वाटर यूज़ करने के लिए बोला है, मतलब चाय की पत्ती को उबाल के जो पानी होता है ब्लैक, वो वाला ब्लैक टी वो, और मीठा जो आई मीन खाने में यूज़ होता है वो, कि उसको सबको डाल के मिक्स करोगे ना तो सब अच्छा लगता। मैंने कहा ठीक है मिक्स कर लेंगे हम सब कुछ और देखेंगे कैसा रिजल्ट है। चलो अभी इन सबको देखते हैं, मिक्स करती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो ब्लॉग कैसे बनेगा, समझ रहे हो? ओ भैया ताकत चाहिए इसके लिए। तो मैंने ये कर दिया है, जिससे पहले मम्मी ये चीज़ देख लेना, मुझे साफ करनी पड़ेगी वरना बहुत गंदी डांट पड़ेगी, और वो मैं चाहती नहीं। ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं उस काम करने जाती हूँ ना, मतलब इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी ज़्यादा फैल जाता है ना सब। लगा दो, हाँ लगा दो ना, टॉप तो मैं चेंज कर लूँगी, इसे कैसे लगाऊँ फिर मैं लोग है ज़्यादा पतली हो गई, और लेके आओ फिर मेहंदी स्मॉल मिक्स कर लेंगे, मतलब मेरी इतनी देर की मेहनत खराब हो गई। सैंडलवुड पाउडर है, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैंने, एक चीज पलट गया है बालों के लिए, ये तो सैंडलवुड हेयर का है, एक स्किन है एक उसका है। Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Get lost sometimes, and I can't seem to find a light between.
walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Show me love that I never had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. So finally, मैंने धो लिया और आप देख सकते हो कि ऐसे मेरा कलर दिख रहा है. बैक में जब मैंने अभी स्लो मोशन डाला है उसमें मेरा कलर नहीं दिखा, बट इसमें बहुत ही प्यारा रेड कलर आ गया बाल में. और यू नो व्हाट, मेरे बाल इतने खराब हो रहे थे, इतने खराब हो रहे थे. शुरू करेंगे नहीं तो पता ही नहीं चल रहा. ओह शिट, ज़्यादा ख़राब हो गए थे ना ये बाल की. मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि इन्हें कॉम करूं या बस ऐसे ही ले जाऊं. मैं कितनी बार ऐसा होता था कि हाथ, मतलब बालों में ना हाथ मार के बस ऐसे ही कर रही थी. तो इतने ज़्यादा झड़ने लग गए थे, इतने टूटने लग गए थे, इतने रफ़ हो गए थे. टूटना तो बंद हो गया था बट रफ़ इतने हो गए थे कि बिल्कुल भी शाइन, बिल्कुल भी कोई सॉफ्टनेस नहीं बची थी बालों में. बहुत ही ख़राब हो गए थे. बट आज काफ़ी दिन बाद मैं अपने बाल इतने ज़्यादा लाइक इतने प्यारे देख रही हूँ, जो कि पता नहीं कैसे हो गए. अगर मुझे पहले पता होता कि मेहंदी से ऐसा होता तो मैं पहले ही लगा लेती. बट मैं बता दूंगी कि मैंने कौन सी मेहंदी यूज़ की. आप अगर ट्राई करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो, बिकॉज मेरा रिज़ल्ट तो मुझे बहुत ही बेस्ट लगा है. और मेरी स्ट्रेटनिंग जो कि मैंने नोएडा में कराई थी, अभी कराई थी कुछ महीने पहले, लाइक अक्टूबर नवंबर में कराई थी, ज़्यादा मंथ नहीं हो, बिकॉज एक साल चलती है रिबॉन्डिंग. तो उसका पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे वालों में रिबॉन्डिंग है. इतने ज़्यादा ख़राब, यहाँ से लाइक कर्ल हो गए थे, बहुत रफ की वजह से कहीं भी कहीं से ही मुड़ जाते थे, बहुत ही अजीब हो गए थे. तो आज इतने दिनों बाद मेरे बालों की स्ट्रेटनिंग दिखी, लाइक देख सकते हो कितने ही सही आ रहा है. तो मैं तो बहुत खुश हूँ यार. तो इसने गई कितनी सीरियस हो गई. तो ये ना ऊपर थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी, अपना ब्लॉग कंप्लीट कर रही थी, तो मुझे बच्ची दिखी. मैंने सोचा अब मैं अपना शूट अकेले कैसे कर सकती हूँ, तो अब मैंने इनकी हेल्प ली. सो थैंक यू, वेलकम क्यूटी. अच्छा ऐसे कुछ ना मैंने भी देखा एक मिनट, ऐसे ऐसे जो देख सकते हो. आज तो काम कर रहे ना, मेरा तो हाथ ही नहीं स्टे हो रहा एक जगह. अरे 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 भाई, अरे रुकना, हाथ से ही रोक ली मैंने, पर ये नहीं रुक रहा भैया. बस आज के लिए इतने ही. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, छत पे रहो या नीचे रहो, वो आपकी मर्जी है, बट घर पे रहो. सो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय.